हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो पे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई यूनिट हमने ऑर्गेनिक पेपर फर्स्ट की रिडक्शन यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटलिक यानी कि यूनिट फर्स्ट ओके तो देखो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में आपको बहुत सारे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड दिए हुए ठीक है बट हम कुछ गिने चुने ऑर्गेनिक मेटलिक कम्पाउंड पढ़ेंगे जो कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाया जाता है और जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन होता है गिने चुने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटलिक कम्पाउंड ही पढ़ाए जाते हैं ओके okay? तो वो सारे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में यहाँ आपको कवर करा दूंगी तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते क्या है ओके तो वीडियो स्टार्ट करते हैं देखो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ऐसे नाम से ही हमें पता चल रहा है ऑर्गेनोमेटलिक मतलब ऑर्गेनो क्या होता है कार्बन एंड मेटलिक मतलब हुआ ओके okay? तो कोई भी कंपाउंड जो कार्बन और मेटल डायरेक्ट लिंकेज से यानी कि डायरेक्ट बॉन्ड कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल ने एक दूसरे के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाया हो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ओके जैसे देखो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच विथ मेटल ओके तो एग्जाम्पल के लिए हमको बहुत सारे ऑर्गेनो कंपाउंड पता है जैसे हमारा ग्रिग्नार्ट रियजन जो हमारा क्या है ऑर्गेनो मैग्नीशियम है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओके यहाँ पर क्या है हमारा जो मेटल है उसने कार्बन के साथ क्या है आर हमारा कार्बन होगा ना मतलब आर में हमारा कार्बन प्रेजेंट होगा इन दोनों ने क्या है आपस में एक लिंक बनाया हुआ एक दूसरे के साथ क्या है डायरेक्टली अटैच ओके अगर हम लोग देखें हमने देखा दूसरा रिएजेंट हमारा ऑर्गेनो जिंक का तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आर टू जेड एन ओके ये क्या है ऑर्गेनो जिंक इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखो खोल के लिखे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आर जेड एन आर इसपे क्या है हमारा जो ये मेटल है वो हमारा क्या है सीधे कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ओके इतनी चीज क्लियर हुई दूसरी चीज ये बोलना चाह रहा है कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो होते हैं ना वर्सटाइल रिएजेंट होते हैं वर्सटाइल रिएजेंट होता है यानी कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ग्रिगनाट मतलब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स आते हैं उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये इनका क्या होता है वर्सटाइल नेचर होता है ठीक है अगली चीज इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रोल ये है कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं ओके अब देखो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स को हम लोग दो टाइप पे क्लासिफाई करते हैं कौन कौन से एक है सिंपल दूसरा है कॉम्प्लेक्स ठीक है सिंपल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होते हैं देखो ऐसे कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जिसपे क्या है मेटल सिर्फ कार्बन से अटैच हो यानी कि ये सिर्फ क्या होगा जितने भी बॉन्ड बनाएगा सिर्फ किससे बनाएगा कार्बन से बनाएगा ऐसे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं Compound, कि है, कि उस में सिर्फ कार्बन और मेटल एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर बताया, का दिया। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आर टू जेडन इसे हम कहते हैं डाई एलकाइल जिंक ये जिंक का क्या है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया ये आर जेडन आर आप इस पर देख सकते हैं ये मेटल है ये मेटल सिर्फ किससे अटैच है एक आर ग्रुप इससे यानी कि एक कार्बन इस साइड से एक कार्बन इससे इसके अलावा कार्बन के अलावा इस मेटल से कोई भी दूसरा ग्रुप अटैच नहीं है इसका मतलब क्या होता है ये है ये सिंपल टाइप का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ओके अब देखो इस पे अगर हम सिंपल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की बात करें इस पे कार्बन और मेटल के बीच में कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो प्योर कोवलिन बॉन्ड होता है ओके okay? ये क्या होता है कोवलिन बॉन्ड होता है ओके okay? अब दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होगा ऐसा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जिस पे जो मेटल है वो कार्बन के साथ तो अटैच हो उसके साथ साथ क्या किसी ग्रुप से भी अटैच हो एग्जाम्पल के लिए अभी ग्रिगनाट की बात की थी आर एम जी एक्स इस पे देखो जो मेटल है मेटल क्या है कार्बन के साथ तो अटैच है उसके साथ साथ एक बॉन्ड इसने हेलाइट ग्रुप के साथ भी अटैच किया हुआ है यानी कि एक्स यहाँ पर को हमारा कुछ भी हो सकता है सीएल हो सकता है बी आर हो सकता है आई हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं ये जो रिएजेंट है वो हमारा क्या है एक टाइप का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है अगर इसके केस में हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड देखें तो इसके केस में जो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो हमारा क्या होता है आयोनिक होता है आयोनिक बॉन्ड सॉरी ये कट गया है यहाँ से तो ये क्या होता है आयोनिक बॉन्ड होता है ओके आयनिक बॉन्ड होता है ये क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर को क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है जो कि मैग्नीशियम से मेटल से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है तो जिसकी वजह से क्या होगा ये बॉन्ड जो है हमारा आयनिक आयनिक हो जाता है है ओके इतनी समझ में आई अब ये जो बॉन्ड इसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी इसकी स्ट्रेंथ जो है वो टोटली totally डिपेंड करती है किस टाइप का मेटल हमने यूज किया हुआ है ओके तो इसका ऑर्डर मैंने यहां पर दिया हुआ देखो पहला है पोटेशियम देन सोडियम लिथियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक कैडमियम और मरकरी ओके तो देखो अगर पोटेशियम एज अ मेटल हम लोग यूज करेंगे तो उस केस में कार्बन और पोटेशियम के बीच की जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी कंपेयर टू कार्बन और सोडियम के ओके आयनिक स्ट्रेंथ से समझ गए तो ये थे दो टाइप के हमारे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तो जनरल इंट्रोडक्शन में इतना काफी है हमको समझ में आ गया ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होता है okay? आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रिगनाट रिएजेंट ओके okay? ट रियजन क्या होता है ओके okay, स्टार्ट करते हैं देखो ग्रिग्नार्ट रियजन क्या है तो बहुत कॉमन ग्रिग्नाट कंपाउंड है रिएजेंट है हमारा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड किसका मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ओके तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रिग्नाट रियजन ऑर्गेनोमेट्लिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम ओके तो देखो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें ध्यान पर ले लेते हैं देखो होता क्या है ना

ठीक है इन दोनों रीजन में कंपेयर करो रिडक्शन में जो भी हमने रिडक्शन में के जो एजेंट पड़े थे उनमें भी कंपेरिजन आता है ठीक है क्वेश्चन कैसे भी अराइज हो सकता है तो अगर आपको इनकी नॉलेज हो जाएगी तो आप

उसको हम सॉल्व मतलब रिएक्शन तभी प्रोसीड करा पाएंगे जब हमको इनकी पोलरिटी का पता होगा कैसे हमको पता है ग्रिगनार्ट रिजन में जो आर होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चार्ज आता आता है और आता है और मैग्नीशियम में क्या पॉजिटिव यूजुअली जो यहां पर कार्बन है कार्बन के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आता है हमेशा पॉजिटिव ही देखते हैं हम लोग लेकिन ग्रिगनार्ट रिजन के केस पे या फिर हम दूसरे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड देखेंगे इस पे हमारा जो कार्बन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है क्यों क्योंकि कार्बन जो है कार्बन के साथ हमारा कोई भी मेटल जुड़ा हुआ है ये कार्बन इस मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कार्बन की क्या होती है मेटल से जो भी है मेटल जैसे हमने यहाँ मैग्नीशियम यूज किया है तो मैग्नीशियम से क्या होती है ज्यादा होती है जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई हो जाता है और मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इतनी चीज समझ में आई ऐसा इसमें तो हो रहा है इसके साथ साथ दूसरे रिएजेंट वगैरह जैसे अभी मैंने ऑर्गेनोजिंग हम अभी तक ऑर्गेनोजिंग देख रहे थे आर टू जेड एन इस पर भी ऐसा होता है इसको हम रिप्रेजेंट करें तो आर जेड एन आर इसके केस में नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आता है क्योंकि कार्बन यानी कि यहाँ पर को कार्बन की क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड एन से जिंक से ज्यादा है जिसकी वजह से क्या होता है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस इसपे क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ओके okay, इतनी चीज समझ में आए पोलरिटी का क्या होता है यूजुअली कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं देखा जाता है, लेकिन हम जब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की बात करते हैं इनके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है ओके okay, इतनी चीज आई अगला रिप्रेजेंटेशन हम समझ गए ठीक है अगली चीज क्या है डिस्कवर्ड किसने किया विक्टर ग्रिगना इसको फर्स्टली डिस्कवर्ड किया हुआ था और उनको नाइनटीन में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था ओके okay? अगली चीज क्या होती है देखो अगली चीज है द कार्बन मेटल बॉन्ड इन ए ग्रिगनाट रिएजेंट इज पोलर ठीक है कार्बन मेटल बोन पोलर है क्योंकि क्या इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जिसकी वजह से क्या होता है इनके बीच में क्या होगी पोलरिटी होगी ठीक है पोलरिटी की वजह से ये क्या होता है रिएक्टिव होता है ओके एंड जनरेटेड न्यूक्लियोफाइल कार्बन ये क्या होता है इस केस में न्यूक्लियोफाइल कार्बन बन रहा है क्योंकि क्या है आर एम जी एक्स है यहाँ पर जो कार्बन है कार्बन के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है तो हमारा कार्बन कैसा बन रहा है न्यूक्लियोफाइल बन रहा है अदर केसेस में दूसरे केस हम देखते हैं तो कार्बन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है

तो नॉर्मल केसेस में हमने कार्बन को क्या देखा एज ए इलेक्ट्रोफाइल देखा है लेकिन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में हमको कार्बन क्या मिलेगा न्यूक्लोफाइल मिलेगा ओके okay? और इसी एबिलिटी को इसी एबिलिटी को द एबिलिटी ऑफ इन्वर्ट इस इसपे क्या पोलिटी का इन्वर्जन हो रहा है जिसकी इसको क्या कहते हैं ये किसका एग्जाम्पल है अम्पलोंग का एग्जाम्पल है ठीक है अम्पोलंग का एग्जाम्पल है अम्पोलंग हमको कहाँ पढ़ने को मिलेगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूनिट थर्ड में पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड में वो भी हम कंप्लीट कराएंगे ओके तो ये जनरल इंट्रोडक्शन में आपको इसलिए बता रहे क्योंकि ये हमारे क्या होगा जब हम रिएक्शंस कराएंगे उसके लिए ये हमारा जरूरी है ओके okay. अब देखो नेक्स्ट चीज क्या आती है प्रिपरेशन हम ऑर्गे अलकाय हेलाइट की मतलब सॉरी ग्रिगनाट रीजन की प्रिपरेशन कैसे करा सकते हैं प्रिपरेशन कराने के लिए फर्स्ट मेथड है बाई अलकाइल हेलाइट अलकाइल क्या होता है आर ग्रुप उसके साथ कोई भी हेलाइट जुड़ा हुआ है अल्काइल हेलाइट से हम लोग ग्रिगनाइ रीजन की प्रिपरेशन कैसे कराएंगे देखो ये बहुत सिंपल मेथड है इस पर हमने क्या करना होता है अल्काइल हेलाइट को रिएक्ट कराना होता है मैग्नीशियम के साथ जिसकी वजह से क्या है ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में पुट हो जाता है और हमको क्या होता है आर एमजीएक्स मिल जाता है, है अगर हम एक्साम्पल लें तो हम लोग मिथाइल आयोडाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लस मैग्नीशियम तो इसके बीच में मैग्नीशियम पुट हुआ तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी कि रिजन बन गया ओके अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें ये जो रिएक्शन हम कराते हैं इसके लिए हमको किसकी प्रेजेंस चाहिए ड्राई ड्राई ईथर की ठीक है ड्राई ईथर की प्रेजेंस क्यों चाहिए ठीक है हम इसमें कोई दूसरा सॉल्वेंट क्यों नहीं ले सकते इसका रीजन ये है देखो होता क्या है ड्राई ईथर जो है एक टाइप का अप्रोटिक सॉल्वेंट है ठीक है मैं आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ देखो हुआ होता क्या है कि हमने बोला अगर हमने ग्रिग्नार्ड रीजन की आर एमजी एक्स की प्रिपरेशन करानी है तो हमको किसकी प्रेजेंस चाहिए ड्राई ईथर की वो इसलिए क्योंकि ड्राई ईथर जो है एक टाइप का क्या है अप्रोटिक सॉल्वेंट है अप्रोटिक सॉल्वेंट है और इसका मतलब हमको जो प्रिपरेशन हम करा रहे हैं इसको हमने क्या कराना है अप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही करानी है तो प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्यों नहीं करा सकते प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन को हम क्यों नहीं करा सकते ठीक है क्वेश्चन ये होता है इसका रीजन ये, ये है कि देखो हमने क्या बोला अगर यूजली हम लोगों ने आर एक्स लिया इसको हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ठीक है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो रिएक्शन कैसी होगी आर एम जी एक्स ओके ये रिएक्शन होगी लेकिन अगर यही रिएक्शन हम लोग किसकी प्रेजेंस में करें प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि हमने ले लिया प्लस प्रेजेंस किसके लिए प्रोटिक सॉल्वेंट आप कुछ भी ले लो, ले ले लो वाटर वाटर लिया लिया हमने को मैं ऐसे लिख सकती इसको ले लिया तो हमारा Rmgx बन गया लेकिन क्या होता है ग्रिगनाट रियजन क्या है हमारा बहुत ज्यादा रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है क्यों इसका रीजन अभी मैं आपको बताती हूँ होता यह है कि ग्रिगनाट रियजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है अब देखो प्रोटिक सॉल्वेंट है प्रोटिक सॉल्वेंट की तो ये टेंडेंसी है कि ये अपने h पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा तो इसके h पॉजिटिव आयन को मिलते ही ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये अगेन क्या करता है प्रोटिक सॉल्वेंट का जो h पॉजिटिव आयन है इसके साथ रिएक्ट कर लेता है कैसे रिएक्ट कर लेता है जैसे rm gx है rm gx है ये rm gx क्या करेगा वाटर के इस प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा कैसे h प्लस है इसके ऊपर नेगेटिव अब देखो चार्ज मैंने बोला चार्ज का पता होना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हमने रिएक्शन तो इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज चार्ज होता होता है है इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये वाला किस अटैक करेगा पॉजिटिव पे और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे तो हमारा प्रोडक्ट में क्या बन जाए आर के साथ क्या हो गया एच यानी कि हमको क्या प्रोडक्ट मिल गया ये बन गया हमारा एलके ठीक है जबकि हमें चाहिए क्या था रिएजेंट समझ में ऐसा हुआ क्यों हुआ ये क्योंकि क्या है तो ग्रिगनाट रिजन रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है यहाँ पर कोई रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है रिएक्शन कंटिन्यू प्रोसीड होती रहती है इसके एच पॉजिटिव आयन के साथ भी रिएक्ट कर देता है एच पॉजिटिव आयन के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा यानी कि क्या बनाएगा हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जबकि हमको रिएक्शन तो यहीं पर स्टॉप करनी थी इसलिए हम लोग क्या लेते हैं ऐसे सॉल्वेंट लेते हैं जो हमारा रिएक्शन को स्टॉप करा ले यानी कि रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड ना कराए उसके लिए हम लोग अप्रोटिक सॉल्वेंट को लेना चाहिए और क्योंकि अप्रोटिक सोल्वेंट तो एजपोल डोनेट नहीं करता ना तो क्या हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है रिएक्शन स्टॉप हो जाती है समझ में इतनी चीज दूसरी चीज ये है कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हमारे इतने ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं रिएक्टिविटी का रीजन ये है कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में कार्बन और मेटल है इनके बीच में क्या होती है काफी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इनमें क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सॉरी इनमें क्या होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है ना डिफरेंस ये जो है बहुत ज्यादा होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है जिसकी वजह से क्या होता है पोलरिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी पोलरिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा और ज्यादा पोलरिटी होने की वजह से क्या होता है कंपाउंड उतना ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है ओके उतना ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं ग्रिगनाट रिएजन जो है ना ग्रिगनाट रीजन ज्यादा रिएक्टिव है किससे ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे रीजन जैसे आर टू जेड एन अल्काइल डाय अलका जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि यहाँ पर को कार्बन और मैग्नीशियम की जो पोलरिटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है ज्यादा है तो पोलरिटी डिफरेंस पोलरिटी का भी क्या होगा ज्यादा होगा जिसकी वजह से रिएक्टिविटी भी इनकी क्या होगी ज्यादा होगी इनके केस पर क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके कार्बन और जिंक के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने इलेक्ट्रोनेटिविटी हो 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 इतनी इतनी ना अब देखो हम बात किस चीज की कर रहे थे कि? इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है समझ में प्रिपरेशन कैसे होती है हुई और हमने ड्राई थर क्यों लेना होता है ठीक है दूसरा है कंपाउंड है एसिडिक हाइड्रोजन कोई भी कंपाउंड जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है उनके साथ भी रिएक्शन करा के अः ग्रिगनार्ड रीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं अब देखो आप बोलेंगे यहां पर को भी हम लोग ग्रिगनार्ड रीजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको ग्रिग्नार्ड रीजन की प्रिपरेशन की क्या जरूरत है मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर रीजेंट है और उसी के रिएक्शन से हम दोबारा ग्रिगनाट रेजन प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस ये वाला मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमने क्या करना होता है ग्रिगनार्ड रीजन जो हमारा प्रिपेयर है उसकी चेन को एक्सटेंड करना होता है चेन को क्या करना होता है एक्सटेंड करना होता है बढ़ाना होता है ओके देखो हुआ क्या यहाँ पर को आप देखेंगे यहाँ पर को रिएजन में सिर्फ एक आर यूनिट प्रेजेंट है है ठीक और पर पूरी विनाइल की ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड सी ठीक है तो ये रिंग में क्या हो गया रिंग एक्सटेंड होगी यहाँ आर थी यहाँ इतनी होगी यानी कि यहाँ पर को क्या हो रहा है रिंग एक्सटेंड हो रही है इसलिए हम लोग ये वाले मेथड का यूज करते हैं ओके इतनी चीज समझ में हमने राय तरी लिया ठीक है अब मेन चीज आ जाती है इसकी एप्लीकेशन इसकी रिएक्शन ठीक है अब देखो रिएक्शन पहली है रिएक्शन देखो रिएक्शन कराने से पहले ना मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ एक फ्लो चार्ट जिसपे क्या है मैंने सारे कंपाउंड मतलब जितने भी कंपाउंड से ग्रिगनार्ट रिजन रिएक्ट कर सकता है उसके प्रोडक्ट लिखे हुए हैं वो ग्रिगनार्ट रिजन के साथ साथ सारे ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का है ठीक है मैं में दिखा रही हूँ बट वो सारे मैं ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में फॉलो होता है ओके ओके यहाँ पे देखिए ये है ठीक है देखो यहाँ मैंने ग्रिगनार्ट का एग्जाम्पल है ठीक है देखो जब भी हमारा ग्रिगनार्ड रिजन एल्काल हैलाइड से रिएक्ट कराएगा तो हमको प्रोडक्ट में एल्केन मिलेगा ठीक है अभी ये चार्ट से एक्सप्लेन कर रही है फिर मैं रिएक्शन करके खुद दिखाऊंगी ठीक है एल्केन देख

और अगर हम लोग एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो एस्टर के साथ पहले कीटोन मिलता है कीटोन मिला है तो कीटोन फर्दर रिड्यूस होकर क्या बनाएगा टर्शरी अल्कोहल एसिड क्लोराइड के साथ क्या बनाता है पहले कीटोन कीटोन रिड्यूस होकर क्या बनाता है फर्दर टर्शरी अल्कोहल एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी कीटोन एंड टर्शरी एल्कोहल ओके अमाइट के साथ क्या बनता है अमाइट के साथ अगर हमने ग्रिगनाइट्रोजन रिएक्ट रिड्यूस करा दिया मतलब रिएक्ट करा दिया तो हमें क्या मिलेगा कीटोन एपॉक्साइड के साथ मिलेगा एल्कोहल CO2 के साथ मिलेगा ये इंपॉर्टेंट CO2 के साथ मिलेगा एसिड और साइनाइड के साथ मिलेगा कीटोन SO2 के साथ मिलेगा SOH और अल्फा बीटा अनसेड कंपाउंड के साथ जो ग्रिगनाइड रिएजेंट है ये दो टाइप का एडिशन करती है एक वन टू एडिशन एक वन फोर एडिशन यानी कि रिएक्शन क्या होगी एक बार वन और टू पोजिशन में होगी एक बार वन और फोर्थ पोजिशन में होगी ठीक है वन फोर एडिशन uh, तब फॉलो करेंगे जब हमारा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा अराउंड डबल बॉन्ड अल्फावीटा कंपाउंड है तो डबल बॉन्ड होगा ऐसा कुछ होगा यहाँ पर को ये होगा डबल बॉन्ड oh, ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है इसके सराउंडिंग में अगर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है जैसे मैंने यहाँ भी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री बल्कि ग्रुप लगा दिए इस केस पे हमारा सिर्फ वन टू एडिशन होगा वन फोर एडिशन यहाँ पर को फॉलो नहीं होगा

ओके okay, इतनी चीज समझ में आगी और क्या प्रोडक्ट बनते हैं सारे ऑर्गेनोमेट्रिक है। लेकिन बात यहां आ जाती है आर टू जेड एन जो है वो हमारा क्या लेस रिएक्टिव है, है के में। तो ये अगर देखो अगर ये किसके साथ रिएक्शन कराएगा जैसे इसने क्या करा दिया एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई या फिर एस्टर के साथ रिएक्शन कराई तो ये क्या है रिएक्शन को कीटोन तक ही स्टॉप कर देगा हम बोलेंगे जब ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा या फिर किसके साथ एसिड क्लोराइड के साथ, साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे प्रोडक्ट में क्या आएगा कीटोन आएगा एल्कोहल नहीं आएगा टर्शरी एल्कोहल नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि ये हमारा लेस रिएक्टिव है ये रिएक्शन को क्या है कीटोन तक ही स्टॉप कर देता है ठीक है फर्दर रिएक्शन नहीं करा पाता समझ में आया तब मैंने इसको ऐसे लिखा रखा है ठीक है एस्टर से कीटोन तक ही बनाएगा कौन जो हमारा लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं जैसे वगैरह ठीक ठीक है है जिंक के थीके? वरना फर्दर रिएक्शन होगी जो स्ट्रॉग रिड्यूसिंग एजेंट है वो फर्दर रिएक्शन भी करके इनको टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे इतनी चीज समझ में आ गई ये चार्ट आप नोट कर लीजिए अब हम रिएक्शन देखते हैं मैं आपको बताती हूँ कि रिएक्शन होती कैसे ठीक है सिंपल है

अब इसके केस में क्या होगा यहाँ पर को देखो आर पे क्या होगा पॉजिटिव होगा क्यों क्योंकि ये किसके साथ अटैच है हेलोजन के साथ अटैच है हेलोजन है. की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है जिसकी वजह से क्या होगा इसके ऊपर तो नेगेटिव आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव अगले स्टेप पे क्या करेंगे हम पॉजिटिव और नेगेटिव को अटैच कर देंगे ये नेगेटिव है ये किस पर अटैच करेगा इस पॉजिटिव पे ये पॉजिटिव है ये किस पर अटैच कराएगा इस नेगेटिव पे ओके तो रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा हमारा हमने ड्राई तरी है यहाँ पर को पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा यानी कि आर आर के साथ क्या हो जाएगा नेगेटिव है इसके साथ पॉजिटिव वाला पोर्शन बन गया दूसरा यहाँ पर क्या बना एम जी के साथ क्या बना एम जी के साथ एक्स टू एम जी एक्स टू ये हमारा क्या बन गया एल क्या बना किन बना और हमने क्या बताया था मैंने आपको चार्ट में क्या दिखाया था देखो क्या बताया था अगर ग्रिगनाट रीजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है एलकिन ठीक है सिंपल है अब आपको याद है एल्किन बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं तुरंत बना सकते हैं क्योंकि आपको रिएक्शन कैसे करनी है पता चल गया सिंपल है दूसरी अगर चलो हम लोग दूसरे किसके साथ कीटोन के साथ रिएक्शन कर बीच बीच से देखते हैं वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर सारे करते लगेंगे तो ठीक है इतना आप कर सकते हैं ना आर एम जी एक्स है ओके इसको अगर हम लोग कीटोन के साथ रिएक्ट करें आर सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर आरडस ओके okay. कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा देखो इसके केस पे क्या होता है वो तो सिंपल था इस पे क्या करेंगे चार्ज चार्ज कैसे आएगा चार्ज ऐसे आएगा ऐसे कि इस डबल बॉन्ड को हम तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दे, दे देंगे हम इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चार्ज जनरेट हो गया इसके उसमें चार्ज हमें पता है इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव होगा क्या अब ये नेगेटिव वाला कहाँ जाके अटैक करेगा इस पे और ये पॉजिटिव वाला इस ऑक्सीजन पे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा आर है आर के साथ कार्बन कार्बन पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव ग्रुप चाहिए यानी कि आर ग्रुप चाहिए यहाँ पर तो आर ही रहेगा ऊपर आ जाएगा हमारा सिंगल हो गया ना ऑक्सीजन पर नेगेटिव था तो पॉजिटिव पोर्शन क्या है ये पूरा पोर्शन हमारा पॉजिटिव का रहता है पूरा पॉजिटिव रहेगा ये पॉजिटिव हो गया ओके अब क्या हुआ देखो हम इस डबल बॉन्ड को अगर सॉरी हाँ ये हो गया ठीक है हमने क्या बोला ये अल्कोहल देता ना ये हो गया अब क्या होगा देखो अब हुआ ये कि हमने दोबारा इस पर क्या दिया इतना हुआ अब हमने क्या करेंगे दूसरे स्टेप पे हम करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे ठीक है हाइड्रोलिसिस करा तो क्या होता है इतना हमको मालूम है हम इसको तोड़ेंगे यहां से इस पे पॉजिटिव वाला पोर्शन यानी कि H प्लस देखो ये कैसे टूट सकता है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना H प्लस इसको वाटर भी कर सकते हो आप एच टू ठीक है तो ये क्या हुआ इसको हम H प्लस और दूसरा होता है हमारा OH नेगेटिव अब इस पे जो h वाला प्लस वाला पोर्शन है वो नेगेटिव साइड और नेगेटिव वाला पोर्शन पॉजिटिव साइड तो इसके पास आ जाएगा समझ में आ रहा है ना इसके पास आ जाएगा ओ हमारा क्या था नेगेटिव था इसके साथ पॉजिटिव h आ गया mgx हमारा क्या था mgx हमारा पॉजिटिव था इसके साथ नेगेटिव वाला पोर्शन आ गया तो क्या प्रोडक्ट बना ये टूटेगा तो हाइड्रोलिसिस करके हमारा बन जाएगा r c r आर डैश और यहाँ पर हो गया ओ के साथ क्या आ गया पॉजिटिव पोर्शन है कि एच प्लस में हमारा क्या हो गया ये बचा हुआ एम के साथ क्या बन गया एम एक्स के साथ क्या आ गया ओ OH. एच OH आ गया ठीक है तो प्रोडक्ट पे क्या बना हमारा टर्शरी एल्कोहल इतनी चीज समझ में आई ना मिक्स तो नहीं हो गया ये देखो हुआ क्या था एक मिनट हाँ मैं दोबारा लिख के दिखाती हूँ हुआ ये था ठीक है ये हमारा कार्बन था यहाँ पर आर था इस पर क्या था ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पर को था हमारा दूसरा ग्रुप क्या था एम जी एक्स एमजी एक्स पे क्या था पॉजिटिव था अब हमने जो वाटर लिया यहाँ से हाइड्रोल करके वाटर लिया वाटर को हम ऐसे तोड़ सकते हैं H प्लस और OH एच नेगेटिव में तोड़ सकते हैं अब H प्लस वाला पोर्शन चला जाएगा नेगेटिव वाले के पास नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले तो हमने क्या किया इस पे दे दिया H प्लस इसको दे दिया OH एच नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा ये बन गया OH ये बन गया ओवर्स यानी कि तर्शरी एल्कोहल और कीटोन किस में कन्वर्ट होता है देखें जरा कीटोन कन्वर्ट होता है हमारा टर्शरी एल्कोहल समझ में आया कैसे होता है अब एक केस ऐसे डेरिवेटिव का भी ले लेते हैं सपोज हमने क्या ले लिया एसिड क्लोराइड ले लिया ठीक है एसिड क्लोराइड ठीक है हुआ क्या देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एसिड क्लोराइड है इसको जब हमने रिएक्शन कराई किसके साथ आर एम जी एक्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ओके अब क्या हुआ इसको हमने दिया नेगेटिव इसको दिया हमने पॉजिटिव ये ऊपर गया इसके negative, इसके ऊपर आया आया नेगेटिव पॉजिटिव ओके तो क्या बना आर सी ओ नेगेटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव यूनिट यानी कि एम जी एक्स नेगेटिव यूनिट यानी कि आर यहां पर को सी एल अब हुआ क्या यहां पर को नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज वापस इस ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया और ये सीएल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है सीएल बॉन्ड ओ आर समझ कीटोन ठीक है कीटोन की, की, की फर्दर रिएक्शन कैसे होगी अब इस कीटोन को हमने दोबारा क्या दे दिया ग्रिगनाट रिएजेंट दिया आर हमने कीटोन का फर्दर रिएक्शन इसलिए कराया क्योंकि अभी भी यहां पर कोई डबल बॉन्ड है अभी हम हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकते डबल बॉन्ड है हमने नेगेटिव किया यहाँ पर पॉजिटिव किया इसके ऊपर क्या किया नेगेटिव है इसके ऊपर पॉजिटिव तो ये क्या बना आर सी ओ यहाँ पर आर यहाँ पर आर ये नेगेटिव है तो इसके साथ एम जी जुड़ा ओके अब उसके बाद क्या हुआ हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो मैंने बताया कैसे इसके ऊपर क्या होगा एच आएगा इसके ऊपर ओ एच आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव आया ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव आया तो ये क्या बन गया टर्शरी एल्कोहल बन गया टर्शरी एल्कोहल ठीक है अब देखो हमने क्या बोला था एसिड क्लोराइड किस में कन्वर्ट होता है एसिड क्लोराइड कन्वर्ट होता है कीटोन में पहले कीटोन में कन्वर्ट हुआ देन टर्शरियर अल्कोहल और अगर इसके बदले हम लोग दूसरा कोई रिएजेंट लेते ठीक है जैसे हमने आर एमजीएक्स के बदले आर टू जेडन ले लिया देखो मैं यहीं पर बता देती हूँ आर टू जेडन ले लिया आर तो ये था हमारा नेगेटिव ये था हमारा पॉजिटिव अब ये ही अटैक करता यहाँ पर को क्या हो जाता नेगेटिव ये तो आर ऐसा ही रहता है यहाँ पर एमजीएक्स के बदले ZNR होता ZNR होता ठीक है फिर यहाँ पर को हाइड्रोलिस होता तो ये कीटोन बनता लेकिन फर्दर रिएक्शन रिए नहीं होती समझ में आया क्या हुआ अब देखो ऐसे करके सारे कंपाउंड है आप कर लेंगे ना सारे कंपाउंड्स ऐसे मैंने प्रोडक्ट बना के दिखा दिए ठीक है आप यही चीज फॉलो करना आंसर निकल जाएगा ठीक है तो वीडियो काफी लंबी भी होगी है तो ये था हमारा ग्रिगनाट रियजन बाकी सारे ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड भी ऐसे ही ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल आपको इस पे और सॉरी आपको इसपे एमएससी और बी एस सी के सारे जो सिलेबस वगैरह में होता है पेपर के बेसिस पर सारे आ, वीडियोस मिल जाएंगे तो अगर प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू